गौतम आप खेल रहे हो टाई करने के लिए, क्योंकि आपके पास दो है, अगर आपको एक आ गया तो आप टाई कर दोगे रिया के साथ। रिया खेल रही है जीतने के लिए, लेकिन अगर गैरी जीत जाता है तो वो गैरी कैन बी द रीजन टू चेंज द रिजल्ट्स ऑफ रिया एंड गौतम्स गैंग। ये खाइयो, हमारी गैंग ऑलरेडी लीड में है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लास्ट मोमेंट पे कोई हो और माइनस वन आए, कि वो पूरा गेम बदल सकता है। गौतम किसको नॉमिनेट करें? दिग्विजय, दिग्विजय। आप? ऋषभ। ऋषभ किसको नॉमिनेट कर रहे हैं? शिविर। शिविर को तो प्रिंस भाई सेलेक्ट करते हैं मुझे, क्योंकि उन्हें दिख गया था उनकी गैंग में और किसी के बस के आंसर देने हैं। तो मैं सोचा था काश गैरी पहले खा ले और मैं चैलेंज हो जाऊं। गो सचिन। अरे सचिन था क्या? ओके कोई बात, नो प्रॉब्लम। किसको चुनेगा सर? इधर से कौन नॉमिनेट है इनमें से? शिवित डाल दे। देख के स्मार्ट स्मार्ट। हमारा लास्ट राउंड चल रहा है और हम लिटरली जीत रहे हैं। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन था जो शायद कुछ बदल सकता था, बट हम कॉन्फिडेंट थे। जैसा सचिन खेल रहा था, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। अरे स्मार्ट खेल, कहीं तो स्मार्ट खेल ले। अभी इनको देगा तो तुम जीत जाओगे। मैंने सोचा कि श्वेत को ये क्वेश्चन के बारे में पता होगा या नहीं। प्रिंस सर की गैंग भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑफ कोर्स ये हमारे में से किसी को नहीं पता होता, तो सचिन ने प्रिंस सर को टारगेट किया और हमें लगा था वो लोग भी नहीं बता पाएंगे। बेटा डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। अगर ये सही जवाब हुआ तो रिया टाई हो जाएगा आपको गौतम के साथ। और ये है सही जवाब और टाई हो गया बॉस।